सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ए एम मैथ्स 12 पे आप सभी का स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। बेसल फंक्शन के लेक्चर नंबर 10 में अदर फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम इसके छोटे से फॉर्म को पे बात करेंगे और बाकी जब जनरेटिंग फंक्शन की हम बात करेंगे तो वो डिटेल्स में हम बात करेंगे अंदर लेक्चर में। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सिंपल सा है कि वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन एक्चुअल में हमारा क्या है, ई पावर ऑफ एक्स बाई टू और जेड माइनस वन बाई जेड होता है कि हमको पता है, और इज इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा सा अरेंजमेंट होता है जी जे जीरो प्लस जेड और माइनस जेड पावर माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा आपका जे वन, ठीक है, जे वन एक्स कह सकते हैं आप, ठीक, प्लस इस तरह जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड पावर ऑफ माइनस टू। ये फार्मूला होता है जब हम इसको जनरेटिंग फंक्शन पे हम बात करेंगे डिटेल में तो इस पे बात कर लेंगे, स्क्वायर प्लस जेड पावर ऑफ क्यूब माइनस जेड पावर माइनस थ्री और जेड थ्री एक्स। ध्यान रखिएगा, मतलब कह रहे हैं कि जो इवन होगा, देखिए ये इवन है ना, यहाँ पर इवन वाले हैं तो यहाँ पे प्लस है, ये जब ऑड वाले हैं तो यहाँ पे क्या है आपका निगेटिव है, प्लस इसी तरह जेड पावर फोर प्लस जेड पावर माइनस फोर और जेड फोर एक्स एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। ये दो चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब यहाँ पे ऑड पावर है तो उनकी वैल्यूज यहाँ मिडिल में क्या होगी, निगेटिव होगी, और यहाँ जब प्लस है तो ये, और जे वन जे टू ये क्या है आपके जनरेटिंग फंक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है, फर्स्ट काइंड के। जे वन जे टू जो है आपके यहाँ क्या है जनरेटिंग सॉरी बेसल फंक्शन है, ठीक है, जैसे जे वन एक्स जे टू एक्स जे थ्री एक्स एंड सो ऑन आर बेसल फंक्शन, ठीक है, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, ये बेसल फंक्शन हमारे हैं फर्स्ट काइंड के। तो बस अब इनके टर्म्स को कलेक्ट कर लेना है सिंपल, तो जे जीरो प्लस अब जेड वन को कलेक्ट कर लीजिए, जेड वन प्लस जेड इस देखिए इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जेड वन जेड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड जेड वन एक्स, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पर जे वन एक्स प्लस जेड स्क्वायर ऑफ जेड टू एक्स प्लस जेड पावर फोर जेड फोर एक्स, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक, ये मिल जाएगा आपको एन प्लस, ठीक है। अब इस वाले की बात करते हैं अगर हम, तो ब्रैकेट में यहाँ पे वर्कआउट देंगे निगेटिव, सो माइनस जेड पावर माइनस वन जे वन एक्स प्लस सॉरी माइनस, ठीक है, z पावर माइनस थ्री जेड थ्री एक्स एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये वैल्यूज यहाँ पर हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब जैसे ये वैल्यू फाइंड आउट होगी बस अब इसको सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देना है और कुछ नहीं करना है। तो अब इसका जो अरेंजमेंट होगा हम करेंगे जीरो प्लस, अब इसको हम क्या राइट अप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। जब हम इसको सही से अरेंजमेंट कर पाएंगे तब हमें रिजल्ट ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन वन एन इज इक्वल टू बात कर लें अगर यहाँ पर समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी जेड पावर ऑफ एन और जे एन एक्स, ठीक, प्लस इसके बाद कर लें एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, ठीक, माइनस माइनस है तो यहाँ पे माइनस वन के पावर एन कर लीजिए, ठीक है, और जेड पावर ऑफ एन कर लीजिए माइनस एन एंड जे एन एक्स कर लीजिए। ये हमारा फंडामेंटल रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको आप ज्वाइंट कर लीजिए, आप जे जीरो x प्लस समेशन n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी
जे एन एक्स कॉमन है दोनों में, यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड रेस टू एन प्लस माइनस वन रेस टू एन अपॉन जेड रेस टू एन। ठीक है, तो ये एक अनदर फॉर्म है आपका एक्स बाई टू और जेड माइनस वन अपॉन जेड। ये एक हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन का है एक अनदर फॉर्म है जिसको हम आगे अभी बहुत सही अच्छे तो इसका यूज होता है आगे बहुत, तो इसको याद रखेंगे आप जनरली, मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सा है क्योंकि इसका आगे हम बहुत ही यूज हमें आने वाला है क्वेश्चंस में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कभी कभी ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है इस बेस पर क्वेश्चन। इस बेस पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके, तो ये आपको याद रखना है वन टू इन्फिनिटी जे एन एक्स और फिर आपका जो यहाँ पे है जेड रेस टू एन प्लस माइनस वन रेस टू एन अपॉन जेड रेस टू एन, ये आपका इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे, यहीं से आपका वर्कआउट स्टार्ट होगा। तो दैट इज अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टाइप है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।